अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बीटीक्यू न्यूज टीवी यूट्यूब चैनल और मैं रौनक मार आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, दो दिन पहले हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने जो है वो बैरियर टाउन के डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट्स में जो अलॉटीज फंसे में जो प्रॉब्लम्स का शिकार हैं उनके हल के लिए, उनके आज़ादी के लिए हमने एक प्रोग्राम किया जिसके अंदर हम जो है वो जिक्र करना चाह रहे थे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स है, पैराडाइज है, ओल्ड बीटीके है और मुख्तलिफ जो भी मामलात हैं, बेली ब्लॉक है। लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ी होने की वजह से हम जो है ना तफसील से उस पर बात नहीं कर सके, बात हमारी अधूरी रह गई। उसमें सिर्फ हमने जो जिक्र किया वो किया ओल्ड बीटीके का और पैराडाइज का और साथ में जो है वो जो है स्पोर्ट्स का और वैली का जो जिक्र करना चाह रहे थे, तेईसी के विलास का जिक्र करना चाह रहे थे, वो वीडियो बड़ी होने की वजह से जो है ना वो रह गई बात। तो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करेंगे। आज हम जिक्र करेंगे तेईसी के विलास का भी, स्पोर्ट्स सिटी का भी और वैली ब्लॉक का भी। इन प्रेसेंट्स के अंदर जो लोग प्रॉब्लम का शिकार हैं, जो फंसे हुए हैं तेईसी के विलास में, वैली में, स्पोर्ट्स सिटी के डिस्प्यूटेड प्रेसेंट्स के अंदर, तो हम उसका आज उस पर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फंसे हुए लोग हैं ये किस तरह एक सोल्यूशन और किस तरह इनका हल निकल सकता है, क्या इनके पास ऑप्शन है, उस ऑप्शन पर हम जिक्र आज करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और सेलेक्ट ऑल करें ताकि हमारी अपकमिंग जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम पर मिल सकें। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं स्पोर्ट्स सिटी का। देखें, स्पोर्ट्स सिटी में 250-500 हज़ार का तीन तरह की कैटेगरीज़ हैं, विलास हैं, 350 गज़ के विलास हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हैं वो हैं 250 गज़ के प्लॉट्स, जिसके अंदर जो है वो प्रेजेंट 42 और 44, 45 ये जो तीन प्रेजेंट्स हैं ये टोटली डिस्प्यूटेड हैं बैरिया के बकौल। बैरिया कहता है कि हमारे पास इसकी ज़मीन मौजूद नहीं है 42 की, 44 और 45 की, ये 100% डिस्प्यूटेड प्रेजेंट्स हैं। इनको जो है वो बैरिया या तो रिफंड देगा या एलोकेट करेगा, इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट करेगा। ये एक पॉलिसी आनी थी जिसमें पैराडाइज का भी, स्पोर्ट्स दोनों का, मलिक साहब के बकौल, मलिक साहब ने जनवरी में एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट में जिक्र किया था कि जनाब जो है वो हम जो है पैराडाइज का भी और स्पोर्ट्स के जो रेमेनिंग अलॉटीज़ हैं उन अलॉटीज़ को जो है वो नंबर अलॉट किए जाएंगे। और लेकिन हमने पिछले उसमें देखा कि जो ओल्ड बीटीके के हवाले से मलिक साहब का भी उसी ट्वीट का हिस्सा था कि ओल्ड बीटीके का, उसमें जब बैलेटिंग की गई तो बैलेटिंग के साथ ही जो डिस्प्यूटेड जितने भी थे ओल्ड बीटीके वाले सबको न्यू प्रेसेंट्स में डाल दिया। इसी तरह वो पैराडाइज के साथ भी होना है, इसी तरह स्पोर्ट्स के साथ भी होना है। देखें, इसमें एक स्पोर्ट्स वालों के लिए जो है वो सबसे पहले जो 250 गज़ वाले जो तीन प्रेसेंट्स वाले हैं ये टोटली टेंशन का शिकार हैं और बाकी जो है जितने भी प्रेसेंट्स हैं स्पोर्ट्स के, जितने प्रेसेंट्स हैं उनमें जो है कुछ एरिया सेफ हैं, कुछ में प्रॉब्लम है। आप अगर किसी और प्रेसेंट के हैं इन तीनों के अलावा तो आप अपने जो है वो स्टेटमेंट निकलवाएं, स्टेटमेंट निकलवा के आप कंफर्म कर लें बैरिया से कि ये आपका जो प्लॉट है ऑन ग्राउंड है कि नहीं है। अगर ऑन ग्राउंड है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट रेट्स का आगे पीछे हो जाने के अलग बात है, लेकिन कम से कम आपका प्लॉट मौजूद है अगर आप ऑन ग्राउंड हैं। और अगर आप ऑन ग्राउंड नहीं हैं तो फिर जो है वो आप इसका जो हल जो निकलता है उस पर हम अभी तस्करा करते हैं। देखें, सबसे पहले ये इसका जो सोल्यूशन वो ये निकलना है कि आप जो है वो इसको रिफंड में जाएं। सबसे पहला जो सोल्यूशन है जो मैं समझता हूँ आपके लिए बेहतर है वो इस वजह से बेहतर है कि देखें, आपने दिया 36 लाख रुपये, 36 लाख आपने दे के आप 250 गज़ का प्लॉट लिया। अब अगर वो न्यू प्रेसेंट के अंदर वो शिफ्ट होता है, मेरे हिसाब के मुताबिक, मैं जो समझ रहा हूँ मेरी एक ज़ाती नाकिस अकल के मुताबिक, आपका जो प्लॉट है वो न्यू प्रेसेंट के अंदर शिफ्ट होकर तकरीबन 18 से 20 लाख रुपये का रेजन है। अगर आप उसमें नॉर्मली उसमें देखें तो 36 लाख का तकरीबन 50% बनता है, तो आपका जो प्लॉट है उसकी कॉस्ट रेजन है 50%। तो रिफंड में क्या है कि आपको 100% मिलेगा, बेशक को 6-8 महीने एक साल के बाद, लेकिन ये कि आपका जो प्लॉट है उसका 100% आपको अमाउंट आपका मिल जाना है। दूसरा ऑप्शन वो ये है कि आप इसका वेट कर लें। अगर आप रिफंड में नहीं जाना चाह रहे, आप कहते हैं ठीक है जी मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि मेरी अमाउंट कितना रह गया है, किस तरह है, मुझे इससे गर्ज नहीं है, मेरा अमाउंट जो कम से कम बैरियर टाउन में प्लॉट है, तो उस सूरत में फिर आप इंतज़ार कर लें जब आपको बैरिया न्यू प्रेसेंट के अंदर शिफ्ट करेगा, इसकी आपकी न्यू जगह को दे देगा आपको, प्लॉट आपको दे देगा, तो वो फ्यूचर में आपको हैंड ओवर हो भी जाएगा और सारे मामला वो फ्यूचर की बात है सारी।
इसमें तीसरा ऑप्शन ये बनता है कि जनाब आप इस प्लॉट को मार्केट के अंदर सेल करें, मार्केट के अंदर सेल करके आपकी जो इस टाइम जो प्लॉट की कॉस्ट है वो तकरीबन अगर आपने पूरी पेमेंट की भी टोटल आप इंस्टॉलमेंट्स दे चुके हैं तो आपकी जो फाइल बनती है वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई 20 लाख रुपये आपको इस फाइल का मिलता है। इस 20 लाख से आप क्या कर सकते हैं, देखें इसका एक तरीके का ये बनता है कि आप न्यू प्रेसेंट्स का 61, 62, 63 में से दो फाइल उठाएं, दो फाइल उठा के मार्केट जैसे ही ऊपर जाती है, ऊपर जाती हुई मार्केट के अंदर जो है ना आपका कम से कम जो यहाँ से जो प्रॉफिट निकलना वो निकलना तकरीबन को 8 से 9 लाख रुपए का, मतलब आपका लॉस 8 से 9 लाख रुपये कवर होगा। वो किस तरह कवर होगा, इस टाइम आपको 125 गज की 61, 62, 63 की जो फाइल है वो मिलती है तकरीबन कोई 8.5 से 9 लाख रुपये की। तो एक फाइल आपकी 8.5 से 9 लाख रुपए की है, मार्केट तेज़ होने के बाद ये श्योर है 100% आपसे बात कर रहा हूँ कि तेज़ मार्केट के बाद ये फाइल कम से कम भी जो बिकी ना 14 से 15 लाख की बिकनी है अच्छी मार्केट के अंदर। तो अच्छी मार्केट के अंदर अपने इस प्लॉट को आप सेल करते हैं तो वहाँ पर कम से कम जो है वो आपका खर्चा निकाल के ट्रांसफ़र फीस है, टैक्स, सेलिंग टैक्स है, बाइंग टैक्स है, एजेंट का जो है वो आप कमीशन है, ये सब कुछ निकालने के बाद आपकी जो प्रॉफिट आपको आना है वो तकरीबन एक फाइल पर 4.5 से 5 लाख रुपये आना है। तो आप अगर ये इन आप अपनी फाइल आप बेचते हैं मार्केट के अंदर जो आपको पैसा मिल रहा है उस पैसे से आप ये दो फाइल उठाते हैं तो कम से कम आपका 10 लाख रुपए का लॉस कवर हो जाता है। तो आप कम लॉस में अपना एक बैरियर से आप जो मतलब सादे अल्फाज में कहूँ तो जान छुड़वाना चाह रहे हैं तो जान छुड़वाने का एक तरीका ये भी है कि आप उठाएँ कम लॉस में आप एग्जिट हो जाएँ, बाकी फिर ये कि उसमें जो है वो फर्दर कहीं भी आप इन सिटी कहीं भी आप जो ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा तरीका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, वो ये जो तरीक़ेकार है वो 250 के लिए भी है, 500 के लिए भी है, 1000 गज के लिए भी है। वो ये तरीक़ेकार है कि जनाब आप जो ना सेंट्रल पार्क बैरिया का एक प्रोजेक्ट है, सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट आप खरीदें, माइनस के अंदर आपको मिलता है मौजूदा मार्केट के अंदर, एक इंस्टॉलमेंट उसकी गई भी है और बाकी रिमेनिंग अभी बाकी हैं। बैरिया ने इसको दिया था 74 लाख रुपये का और मेरे हिसाब से तकरीबन आपको मिलना चाहिए 3-3.5 लाख रुपये माइनस के अंदर इस टाइम मौजूदा मार्केट में। तो अब 3-3.5 लाख रुपये माइनस के अंदर अब ये लगाते हैं तो तकरीबन आपका कोई समझ लें कि मेरा ख्याल है कि 3 लाख रुपये आपको देना है और भी एक इंस्टॉलमेंट के पैसे देने। तो ये जो 74 लाख वाली फ़ाइल है ये अपनी फाइल 500 गज वाले भी, 250 गज वाले भी, 1000 गज वाले भी अगर चाहते हैं जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ के अंदर है, अगर वो चाहते हैं तो इसके अंदर अपनी फ़ाइल सेंट्रल पार्क टूबेट अपार्टमेंट सेंट्रल पार्क का लें, उसके अंदर अपना शिफ्ट करवा लें। शिफ्ट करवाने के बाद रिमेनिंग जो अमाउंट होगा उसकी एक और फाइल मार्केट से ख़रीदें, खरीद कर मर्जिंग फाइल खरीद कर एक और उसके अंदर एडजस्ट करवा लें, अपने आप अमाउंट बराबर कर लें। तो ये जो 74 लाख वाला अपार्टमेंट है वो आपको तकरीबन जो पड़ेगा मेरे हिसाब से अगर आप इस तरह करते हैं रिमेनिंग अमाउंट करके तकरीबन आपको ये 65 लाख रुपए का टू बेड पड़ेगा सेंट्रल पार्क वाला। सेंट्रल पार्क के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनने की ज़रूरत है, वो भी इंशाल्लाह मैं गाहे बगाहे करता रहूँगा, उस पर भी सेंट्रल पार्क के भी पूरा रिव्यू दूंगा आपको, उसका फीचर है क्या है, कितने फ्लोर्स बनेंगे, क्या कितने अपार्टमेंट्स होंगे। वैसे जो नॉर्मली आप छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले लेने की 1100 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है और लोकेशन के हिसाब से P54 जो है वो इसकी लोकेशन है, इसकी पैराडाइज की P54 इसकी लोकेशन है। तो ये 250 गज वाले भी कर सकते हैं, 500 गज वाले भी कर सकते हैं, 1000 गज वाले भी कर सकते हैं, मतलब अपने अमाउंट को आप जो है वो इसके अंदर शिफ्ट करवा लें। शिफ्ट करवाने के बाद जो भी अमाउंट आपका छोटा मोटा बचता है वो अमाउंट आप पे करके मतलब जो है ना वो सेंट्रल पार्क के आप मालिक बन जाते हैं। अच्छा दूसरा हो गया 250 गज का, 500 गज पे हम जिक्र करते हैं 500 गज का। तो 500 गज का जो डिस्प्यूटेड एरियाज वाले हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन वही पुरानी बात कि जो है ना वो आप रिफंड कर लें, दूसरी बात कि आप जो है ना उसको उसमें आ जाएं वेटिंग में आ जाएं, तीसरी बात कि आप मार्केट में उसको सेल करें, जो भी अमाउंट आपका बनता है वो उस अमाउंट आपका जो तकरीबन अमाउंट बनना है उससे आप जो है ना वो 250 गज खरीद लें, ऑन ग्राउंड जो प्लॉट हैं 250 गज वहाँ पर आप आके इसको जो है वो उसमें जा सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। जब मार्केट तेज़ होती है तो आपका जो है वहाँ से जब आप उसको रिसेल करेंगे ट्रेड करेंगे ट्रेडिंग के दौरान आपका जो लॉस कम से कम हो जाएगा, इसी तरह 1000 गज के लिए भी है। अब आ जाएँ 23 की विलास में, 23 के अलावा विलास बैरिया गस ने बैरिया टाउन ने जो दिए वो आप तकरीबन कोई आज से 7 साल पहले बेचे जो अनबैलेट विलास थे, फिर आखिरी जब बैलेटिंग हुई तो 23 के अंदर उसको डाल दिया गया। अब बैरिया के बकवाल हमारे पास इसकी ज़मीन मौजूद नहीं है,
बैरिया ये कहता है, लेकिन मैं होपफुली इस वजह से हूँ कि जमात इस्लामी के साथ जो बैरिया टाउन का एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट में बैरिया टाउन ने कम्प्लीटली ये बात मेंशन की हुई है साथ में कि हम जो है वो 12 से 18 महीने के अंदर 23A का विला जो है वो तैयार करके पार्टी को देने के अलॉटी को देने के जो है ना पाबंद है। तो इस हवाले से 23A के विलास के हवाले से जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि आप लोग इंतज़ार कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। उसकी देखें वजह ये है कि बैरिया टाउन ने आपको विला दिया था 49 लाख का, एक लाख रुपये कम 50 लाख रुपये में 49 लाख का जो आपको विला दिया था। तो उसके अंदर अभी मौजूदा मार्केट्स के हिसाब से अगर हम देखें बात तो इस इन पैसों से 49 लाख से आप 125 गज का प्लॉट लेकर उसको तैयार नहीं कर सकते। तो ये 200 गज का विला है, तो 200 गज का जो विला है उसकी जो कॉस्ट मेरे हिसाब से वो आती है, अगर आप बैरिया टाउन के ही किसी प्रेसेंट में 30 में भी एक मिसाल ले लेते हैं तब भी जो उसकी कॉस्ट वो आती है तकरीबन कुछ 125 करोड़ रुपये की विद प्लॉट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। इसी तरह आप 125 गज़ का अगर प्लॉट लेते हैं जनरली मतलब किसी हल्के प्रेसेंट के अंदर भी तो तकरीबन आपको 60 से 70 लाख का पड़ता है 125 गज। तो बैरिया टाउन ने जो आपको दिया था 49 लाख का, इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन आपके लिए ये है कि आप इसका इंतज़ार कर लें। इंतज़ार मैक्सिमम और भी मेरे ख्याल है कि तकरीबन को 1.5 साल आप इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। इसी 1.5 साल के दौरान आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि बैरिया टाउन आपके साथ क्या करता है। वो जमात इस्लामी का जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के तहत जो है ना वो आपके साथ जो मामला इसने बैरिया ने करना है उसकी 1.5 साल में पिक्चर क्लियर हो जानी है। तो सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप 23A की विलास के हवाले से इंतज़ार कर लें। जहाँ इतना पैनिक आपने बर्दाश्त किया हुआ है ना थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लें, जो आपके साथ होना था वो हो चुका, इससे ज़्यादा बैरिया आपके साथ बुरा नहीं कर सकता। 23A की विला की मौजूदा जो मार्केट है वो इस टाइम जो है वो तकरीबन कोई समझ लें 40 से 42 लाख रुपये की 200 गज की मार्केट है। 125 गज का ज़रा कम ही कोड होता है इस वजह से रेट का आइडिया नहीं दे पाऊँगा, लेकिन 23A के जो विलास है 200 गज वाले 125 गज वाले सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप इसका इंतज़ार करें। इन मौजूदा जो रेट जिन रेटों में आपको बिका हुआ है इन रेटों में ना तो आपको प्लॉट अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिलना है, ना ही आपने उस पर कंस्ट्रक्शन कर पानी है, ना ही कोई आपको इन रेटों के अंदर अपार्टमेंट मिलना है। तो बेहतर ये है कि आप उसका इंतज़ार कर लें, इंतज़ार करें, देखें बैरिया आपके साथ क्या करता है। एट द एंड बैरिया ने आपको दे के ही फारिग होना है, इसके अलावा बैरिया के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अब हम जिक्र करते हैं वैली ब्लॉक का। देखें बैरिया ने वैली ब्लॉक के नाम पर एक बहुत बड़ा समझ लें कि मैं समझता हूँ कि फ्रॉड किया था लोगों के साथ। वो इस तरह फ्रॉड किया कि बैरिया टाउन और डीलर्स ने मिलकर जो है ना वो लोगों को बेवकूफ़ बनाया। वैली ब्लॉक सिरे से मौजूद ही नहीं था, ना इसके प्लॉट थे ना इसकी ज़मीन मौजूद थी बैरिया के पास, और ये ओनली सिर्फ मैप पर दिखाया गया और उसको बेचा गया। इसमें 125 गज 250 गज 500 गज के प्लॉट थे। एक तो सिर्फ ये मार्केट में बेचा गया वो, और बाकी जो ब्लॉक फाइलें ब्लॉक हो चुकी थी जिन लोगों ने फिर रीओपन किया करवाया अपनी फाइल को एक्टिव करवाया, तो उनकी जो एक्टिव फाइल थी वो नंबर जहाँ जहाँ लोगों के नंबर थे वो सब रिमूव होके उनको जो है ना वैली ब्लॉक में डाल दिया गया था। ये एक बैरिया का समझ लें कि ज़्यादा बैरिया ने की थी अपने क्लाइंट के साथ जो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब में। उसकी वजह ये है कि जो भी आपको पेमेंट दे रहा है जो भी आपको पैसा दे रहा है उसकी रिस्पेक्ट आपका फ़र्ज़ बनता है और उसको फैसिलिटेट करना आपका फ़र्ज़ बनता है, जो बैरिया ने नहीं किया। वैली ब्लॉक में जो फंसे हुए लोग हैं मेरे ख्याल में कि उनके पास सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो रिफ़ंड का है। रिफ़ंड काउंटर फ़िलहाल अभी तो बंद है, जैसे ही ओपन होता है आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, जैसे ही ओपन होता है हम आपको इंशाल्लाह इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे कि ब्लॉक इसका जो है रिफ़ंड काउंटर ओपन हो चुका है। सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो रिफ़ंड का है। रिफ़ंड में ये कि आपका जो अमाउंट आपने लगाया हुआ था जो आपके अमाउंट स्टेटमेंट पर आ रहा था वो आपको कम से कम पूरा को पूरा मिल जाना है, बेशक देर से मिलना है लेकिन मिल आपको ज़रूर जाना है। देखिए वैली ब्लॉक का फीचर बहुत ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास 23A की विलास क्या है, स्पोर्ट सिटी क्या है और वैली ब्लॉक क्या है। तो वैली ब्लॉक का सबसे बेहतर जो मैं ऑप्शन समझता हूँ वो ये समझता हूँ कि आप रिफ़ंड में जाएँ। दूसरा ये कि आप इसको किसी अच्छे प्राइवेट बिल्डर के उसमें देख कर प्रोजेक्ट के अंदर देखकर किसी एतमाद वाले बिल्डर को देखकर आप उसके साथ उसको मर्ज करवा लें। अगर आप बैरिया के अंदर ही रहना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मतलब जो है ना वो बैरिया के अंदर मेरी प्रॉपर्टी बने, तो प्रॉपर्टी बनने का फिर यही तरीका मैं जो समझ रहा हूँ वो ये बनता है कि वो अमाउंट आपका कम है 125 गज़ का या 250 गज़ का या 500 गज़ का। 250-500 वाले तो फिर भी इनके पास ऑप्शन मौजूद है, 125 वाले ज़्यादा लोग हैं तो इनके पास मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन बनता नहीं है। आप रिफ़ंड करवाएँ तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। और इसी तरह फिर आप आ जाएँ इसके अंदर 250 गज़ के अंदर, तो 500 गज़ के अंदर
250 गज वाले अगर अपनी फाइल मार्केट के अंदर बेचते हैं तो फिर वो उठा लें न्यू प्रेसेंट 61, 62, 63, यहाँ से आपको जो ना आपका कम से कम जो लॉस है वो कम से कम लॉस में आप जो ना बैरियर से अपनी जान छुड़वा लेंगे। 500 गज वाले जो लोग हैं वो 250 गज का प्लॉट उठा लें, P30 के अंदर देख लें, या जो ऑन ग्राउंड जो प्रेसेंट्स हैं ये देखें, ये जो प्रेसेंट्स हैं यहाँ आपका जो है ना वो कम से कम जब मार्केट तेज़ होनी है ना, ये ऐसे प्रेसेंट्स हैं कि मार्केट जब तेज़ होगी तो यहाँ पर आपको जो है ना वो आउटपुट आपको अगर अच्छा निकलेगा, मतलब आपने एक मिसाल है 30 लाख की फाइल ली तो P30 का अच्छी मार्केट के अंदर जो प्लॉट है वो 42 से 45 लाख रुपये का है, तो आपको 10 से 15 लाख रुपये यहाँ से निकल आता है। 500 गज वाले अगर ये इस तरह शिफ्ट करवा लेते हैं, इस तरह उसको मतलब अपनी फाइल मार्केट के अंदर बेचते हैं, बेचने के बाद जो अमाउंट मिलता है उस अमाउंट से 250 गज उठा लेते हैं, या 125 गज का अगर आप उसमें और मजीद उसमें आना चाह रहे हैं तो 125 गज का ये ट्रेडिंग आपको बता रहा हूँ कि जो लॉस है वो किस तरह कवर करें। तो 125 गज का अगर आप उठाते हैं P14 के अंदर, P15 के अंदर, P14 में इस टाइम आपको जो फाइल मिलती है वो तकरीबन 29 से 30 लाख की मिलती है, P15 में इस टाइम जो आपको फाइल मिलती है वो मिलती है तकरीबन कोई 26 से 28 लाख रुपए की, P15 अच्छी मार्केट के अंदर वो 40 लाख रुपए का है, P14 अच्छी मार्केट के अंदर 44 से 46 लाख रुपए या 44 से 48 लाख रुपए, आप समझे जनरल प्लॉट ये इतने का बिकता है नॉर्मल मार्केट। अभी हाई जिन लोगों ने देखा है, जो लोग बैरियर टाउन से कनेक्ट है मार्केट से, तो उनको बखूबी अंदाज़ा होगा जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप इसको मार्केट के अंदर सेल करें, सेल करने के बाद जो है ना वो आपने जो भी आप अमाउंट आपको मिलता है ये मिलने के बाद जो है ना आप उसको एक दो दफ़ा ट्रेड करें, आपका लॉस जब कवर हो जाए, बैरिया में रहना चाहें तो अच्छी जगह ऑन ग्राउंड आप देख लीजिएगा, अगर नहीं आप रहना चाहते बैरिया के अंदर तो फिर आप पैसे आपके हाथ में, फिर आप आज़ाद है, कम अज़ कम आप टेंशन में नहीं है। देखें ये जो मैंने पहली वीडियो में भी दूसरी वीडियो में भी मेरा बैरिया टाउन का मैं रियल इस्टेट कंसल्टेंट हूँ, आप सबकी रहनुमाई के लिए सब बातें जो चल रही होती हैं आप सबकी रहनुमाई के लिए है। देखें मैं मतलब आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मतलब आपको जो है ना वो एक मशवरा दे रहा हूँ जो मैं समझता हूँ कि मतलब जो लोग मुझसे पूछते हैं या फिर मामला जो हैं, तो बाकी आपने टोटली अपनी मर्ज़ी करनी है। ये मैंने आपको जो प्रेसेंट्स खासतौर पर पिछली वीडियो में बताया कि 27 ए आप उठा लें, P16 उठा लें, तो मशवरा देने को तो मैं आपको P6 का मशवरा भी दे सकता हूँ, 8 का भी दे सकता हूँ, P500 गज में P4 का भी दे सकता हूँ। लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बेस्ट जो है ना वो मेरे हिसाब में वो हिल्स है, बैरिया हिल्स सबसे लोकेशन सबसे अच्छी इसकी लोकेशन है बैरिया हिल्स की, मैं उसका मशवरा भी आपको दे सकता हूँ। लेकिन ये जो प्रेसेंट है ये अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, जब आपका अमाउंट ज़्यादा है तो वहाँ ऑलरेडी जो ना मार्केट उनकी मेंटेन है, मार्केट जब मेंटेन है तो फिर आपको जब इस मेंटेन मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा के आपको प्रॉफिट कमाना है। ये जो मैंने आपको बताया इनकी मार्केट जो है वो अभी कम है, न्यू डील की वजह से मार्केट डाउन हुई थी, ये इस डाउन मार्केट में अगर आप ये यहाँ कोई फाइल उठाते हैं तो फिर यहाँ से आपको जो है ना वो आपका समझ लें कि इस P27A के अंदर P16 के अंदर यहाँ पर आपको प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा बचते हैं बनस्पत दूसरों के। वीडियो दोबारा बहुत लेंथी हो गई है, तकरीबन मैं समझ मेरे ख्याल में कि 20 से 22 मिनट पर चली गई है, मैं आपसे दोबारा माजरत करता हूँ, लेकिन अब क्या करूँ कि मौजू जो है ना वो कंप्लीट होने का नाम ही नहीं लेता है। और बाकी ये है कि मेरी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और आपको किसी और टाइप का रिव्यू चाहिए स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे आप जो है ना वो अपनी राय दे दें, किसी भी टाइप का आपको रिव्यू कहीं का भी चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। अब इंशाल्लाह कोशिश मैं कर रहा हूँ कि हेड ऑफिस भी ओपन हो चुका है, ज़रा मार्केट भी थोड़ी सी खुल जाए, लोगों का जो लॉकडाउन वाला मामला ये भी हमारा क्लियर हो जाए, तो इंशाल्लाह फिर जो है वो आपको हर प्रेसेंट का रिव्यू भी दूंगा, ऑन ग्राउंड ले जाके भी दिखाऊंगा प्रेसेंट कि किस प्रेसेंट के अंदर कौन सी लोकेशन ऊँची है, कौन सी नीची है, किस लोकेशन का कैसा, कौन सा प्रेसेंट किस लोकेशन पर है और उसके बेनिफिट और उसके फ़ायदे उसके नुकसान क्या हैं, इन सब पर हम जिक्र करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और सेलेक्ट ऑल करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी, आप फी अमान अल्लाह।